हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस एंड वर्ब फॉर्म का पार्ट टू, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। ये वीडियो बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम्स के लिए और एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, इंग्लिश के सभी सेक्शंस को सॉल्व करने में। पर्टिकुलरली जो स्पॉटिंग लेटर का सेक्शन होता है और फ्लर्स का सेक्शन होता है, उसको सॉल्व करने में काफ़ी यूज़फुल ये रहेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब फॉर्म्स दी हैं, जैसे फ्ली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। ये FLEE, फ्ली का मतलब होता है किसी जगह से, किसी कंट्री से भाग जाना, ठीक है। तो इसकी सेकेंड फॉर्म है फ्लैट और थर्ड फॉर्म है फ्लैट। फ्लिंग का मतलब होता है तेज़ी से किसी चीज़ को फेंकना या जोर से किसी चीज़ को फेंकना, उसको हम बोलते हैं फ्लिंग। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्ल्यू इसकी सेकेंड फॉर्म है, फ्लोन इसकी थर्ड फॉर्म है। और फॉरवेयर का मतलब होता है अपने आप को रोक पाना, इसके लिए हम रिफ्रेन वर्ड भी यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और फॉरबिट का मतलब है रोकना, इसके बाद फ्रॉम आता है और आईएनजी फॉर्म आती है। और फॉरसेक का मतलब है छोड़ना या त्यागना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं और स्पॉटिंग एरर में, फ्लर्स में ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ गलत और सही सेंटेंसेस लिए हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से स्पॉटिंग के क्वेश्चंस को और फिलर्स के क्वेश्चन को सही करना है। द सेल ऑफ एल्कोहल इज़ फॉरबिड हेयर। देखिए, यहाँ पर चूंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, द सेल ऑफ एल्कोहल इज़ फॉरबिडन हेयर आपको बोलना होगा, ठीक है। द सेल ऑफ एल्कोहल इज़ फॉरबिडन हेयर। तो ये फॉरबिडन है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इसको एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉरबिडन गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जिसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की मनाही है, जिस पर बैन लगा हुआ है। द एथलीट्स आर फॉरबिडन। देखिए, यहाँ पर फॉरबिडन के बाद हम फ्रॉम लगाएंगे और फ्रॉम के बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तब ये सेंटेंस सही होगा। ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये गलत है। ही पिक्ड अप द डेबरी एंड फ्लैंग इट अवे। इसकी जो थर्ड फॉर्म है, इसकी जो सेकेंड फॉर्म है फ्लंग की, फ्लिंग की फ्लंग और फ्लंग होती है, फ्लैंग नहीं होती, तो इसलिए ये यहाँ पर फ्लंग यहाँ पर सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और नीचे वाला सेंटेंस देखिए, इन ऑर्डर टू एस्केप कैप्चर ही फ्लैड टू द माउंटेन। ये सेंटेंस सही है। जब हम किसी जगह से भागते हैं तो हम बोलते हैं फ्ली फ्रॉम दैट प्लेस, और जब हम किसी जगह के लिए भागते हैं तो उसको बोलते हैं ही फ्लैड टू द माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स की तरफ वो भाग गया। तो ये सेंटेंस सही है और नीचे वाला सेंटेंस भी सही है। इट इज़ लाइकली दैट द सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट होते हैं जिन पर कोई शक है फ्लैट। ये फ्लैट सही यूज़ हुआ है यहाँ पर, इसलिए करेक्ट सेंटेंस है। और नीचे वाले आप देख सकते हैं, रेबा का कुड नॉट फॉर बेयर आ स्माइल, मतलब रेबा का एक नाम है, वो अपनी स्माइल को नहीं रोक पाई। तो कुड नॉट के बाद इसमें एस नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो नीचे वाला सेंटेंस है, सचिन वाला जो सेंटेंस है, उसमें चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए इसमें हमने एस का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको सही और गलत करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ और वर्ब ली है। फ्रीज का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो फ्रोज होगा, फ्रोजन थर्ड फॉर्म है। और ये जो थर्ड फॉर्म है, इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रोजन वाटर, या इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना किसी चीज़ को, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, हैप के कई मीनिंग्स हैं, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। हेड और हेड इसके थर्ड फॉर्म है। हाइट का हेड और हिडन इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। नील का मतलब होता है घुटनों के बल झुकना, और नेल्ट और नेल्ट इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, शैल आई ग्राइंड अ लिटिल ब्लैक पेपर ओवर योर सैलेड, ठीक है। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना या उसको बुरकना किसी के ऊपर, और ब्लैक पेपर का मतलब होता है काली मिर्च, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस हैं। और ये वाला सेंटेंस देखिए, दे ग्राइंड द ग्रेन इन टू फ्लोर, मतलब वो ग्रेन जो होता है, अनाज जो होता है, उसको पीसते हैं आटे में, और आटे में बदलते हैं उसको। तो ये यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं। इन टू यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि इसकी जो शेप है, इसका जो फॉर्म है, वो चेंज हो जाएगा। गेहूं जो है वो आटे में चेंज होगा, तो जब कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ये वाला सेंटेंस देखिए गलत है, ये सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक टू सी अ ग्रो मैन।
ठीक है, इन टीयर्स, मतलब मैं एक ग्रोन अप मैन को टीयर्स में नहीं देखता। ग्रोन मैन का मतलब होता है एक एडल्ट, तो यहां पर मैन एक नाउन है और ग्रोन एक एडजेक्टिव है। ग्रो एडजेक्टिव नहीं है, ग्रो वर्ब है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम हमेशा वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए नीचे वाला जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द डोर, हिड के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते, हिड बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लगाते हैं, इसलिए सेंटेंस सही है। और दे नील डाउन एंड प्रेड, ठीक है, चूंकि प्रेड इसमें सेकेंड फॉर्म है इसलिए नील डाउन भी इसमें सेकेंड फॉर्म में आपको बोलना होगा। नील के कुछ अदर वर्ड्स हैं, जेनुफ्लेक्ट भी इसको हम बोल सकते हैं, कोटाउ भी बोल सकते हैं, और मेक ऑबिसेंस भी इसको हम बोलते हैं। ये तीन वर्ड और मैंने आपको बताए हैं क्योंकि ये इन वर्ड्स को पूछा गया है प्रीवियस बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में। अब हम हैब की फॉर्म्स पढ़ेंगे। यहाँ पर हैब की तीन फॉर्म होती हैं, हैब फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकेंड फॉर्म है, और हैड थर्ड फॉर्म है। इसका तीन तरीके से यूज़ होता है और वो तीनों तरीके मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, इनको आप ज़रूर क्लियर करिए, अच्छे तरीके से क्लियर करिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर देखिए, आई हैव डन माई वर्क में हैव जो है एक हैव वर्ब है और एक डन वर्ब है, ठीक है। डन जो है वो मेन वर्ब है और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यदि आप यहाँ से हैव हटा देंगे तो आई डन माई वर्क का कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो ये हैव जो है ये मेन वर्ब को हेल्प कर रही है सेंटेंस बनाने में या टेंस क्रिएट करने में, तो इसलिए हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आई हैव ए कार में हैव का मतलब है केवल ओन करना उसको, तो ओनरशिप यहाँ पर ये हैव दिखा रहा है, ठीक है। ओन इज इक्वल टू हैव, तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस को ग्रामर के हिसाब से हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज़ करेंगे, इसको आईएनजी फॉर्म के साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यदि मैं बोलूँ कि आई एम हैविंग ए कार, तो वो सेंटेंस गलत होगा। जब पजेशन के सेंस में या ओनिंग के सेंस में हम यूज़ करेंगे तो इसको हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, ये दो चीज़ें मैंने बताई आपको। और तीसरा कॉन्सेप्ट है, आई हैव माई लंच एट 2 PM, मैं अपना लंच लेता हूँ 2 बजे या खाता हूँ। तो यहाँ पर हैव का मतलब है एक्सपीरियंस करने के लिए, ये सेंस एक्सपीरियंस करने के सेंस में यूज़ हुआ है या ईट करने के सेंस में यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये सही है। हैव का प्रयोग जब हम एक्सपीरियंस करने के सेंस में यूज़ करते हैं तो उसमें हम ING फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन पजेशन के केस में ING फॉर्म हम नहीं लगा सकते। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। जैसे सेंटेंस में मैं बोल सकता हूँ आई एम हैविंग माई लंच, इसमें मैं हैविंग इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के सेंस में उसको यूज़ कर रहा हूँ, किसी चीज़ का अनुभव लेना। और जब ओनिंग के सेंस में यूज़ करेंगे तो उसमें ING फॉर्म हम नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस आप देखिए, आई यूजुअली हैव अ सैंडविच फॉर माई लंच, मतलब मैं नॉर्मली सैंडविच लेता हूँ लंच के लिए, या उसको एक्सपीरियंस करता हूँ या उसको खाता हूँ, तो ये सेंटेंस सही है। आई हैव हैड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग माई जर्नी, इसमें हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और हैड का मतलब है फेस करना, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये फुल वर्ब है, तो आई हैव हैड ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। इफ़ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव गिवन इट टू यू, इस तरह के सेंटेंसेस में हम जो कंडीशनल सेंटेंस है एक्चुअली ये, तो कंडीशनल पार्ट में जो इफ से शुरू होता है उसमें हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और यहाँ पर हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, और यहाँ पर हैड एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है और हैड मेन वर्ब भी है, तो उसकी थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। तो हैड हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और ये जो हैड है ये होने के लिए आया है, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैंने उसको आपको दे दिया होता, तो हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक आपका मेन मेन वर्ब है, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है। आई एम हैविंग ए कार ये गलत है, आई हैव ए कार आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप पजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ही इज़ हैविंग इज लंच ये सही है क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपीरियंस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। आई हैड 3 cars लास्ट ईयर, मेरे पास 3 कार थी, कब थी, पिछले साल, तो ओनरशिप के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हैव का थर्ड फॉर्म आया है इसमें और ये सही है, ठीक है। ही इज़ हैविंग अ गुड टाइम, यहाँ पर हम एक्सपीरियंस के लिए यूज़ कर रहे हैं हैव को, और ये सेंटेंस सही है आपका। इस तरीके से इनको आपको यूज़ करना है। When I visited him yesterday, he was having his bath. वो अपना बाथ ले रहा था, उसको एक्सपीरियंस कर रहा था, तो ये सेंटेंस सही है। I have many friends in the city, ये सेंटेंस सही है। I had many friends there, ये सेंटेंस सही है। You will have, आपके पास होगा, ठीक है। You will have मतलब, चूंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं लगी है वर्ब की, इसलिए have का मतलब है कि ये
होने के लिए यूज हो रहा है कि आपके पास कोई चीज होगी, फ्यूचर में कोई चीज होगी, तो यू विल हैव ऑल द फैसिलिटीज देयर. शी हैड लॉन्ग फेयर हेयर व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड. तो ये भी सेंटेंस आपका सही है, होने के लिए यूज हो रहा है. डिट के बाद हम हैव लगाते हैं तो ये सेंटेंस भी सही है. ठीक है, ये सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं आराम से इसको. मैरी हैड अ बेबी रिसेंटली. किसी के जब बच्चा होता है तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. हैव अ बेबी का मतलब टू प्रोड्यूस अ बेबी. ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पर आप देखिए, डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी फाइंडिंग समवेयर टू लिव. डिड के बाद हम हैव लगाएंगे और डिफ़िकल्टी के बाद हम ING फॉर्म लगाएंगे तो ये सेंटेंस सही है. आई हैव गॉट का मतलब मेरे पास है. ठीक है, इसको हम नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं. आई हैव गॉट सम सैंडविचेज, सैंडविचेज वुड यू लाइक टू हैव वन. तो ये प्रयोग भी आप देख सकते हैं इसका. यहाँ पर मैंने कुछ और वर्ब फॉर्म दिए हैं. हर्ट की तीनों फॉर्में समान रहती हैं, हिट की तीनों फॉर्में समान रहती हैं, पुट की तीनों फॉर्में समान रहती हैं. शेड का मतलब है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, और इसकी तीनों फॉर्म इस सेंस में एक समान होंगी. शू का मतलब है जैसे घोड़े की जो नाल होती है, पैरों में जो लगी होती है, उसको हम बोलते हैं शू. ठीक है, तो या उसको नाउन फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं और वर्ब फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं. तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो है शॉर्ट. नो मतलब जानना, न्यू सेकेंड फॉर्म है, नून थर्ड फॉर्म है. लैंड का मतलब है उधार देना, बोरो का मतलब है उधार लेना, राइड का मतलब है गाड़ी पर चढ़ना. तो ये सारी थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म यहाँ पर दी हैं, इनकी मदद से आप सेंटेंसेस को सही कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस देखिए. दे आर वेटिंग टू हैव देयर हॉर्सेस शॉर्ट. इस तरह के सेंटेंसेस में मतलब वो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने हॉर्स का कि उसके हॉर्स के ऊपर शू को चढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हैव या गेट के साथ हम थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं, जैसे आई विल गेट माई वर्क डन, मैं अपना काम करवाऊँगा. ठीक है, ठीक है, आई विल गेट इट डन, मैं इसको करवाऊँगा किसी और से. तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसमें हैव और गेट आता है, और हैव और गेट के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. दे आर वेटिंग टू हैव देयर हॉर्सेस शॉर्ट, मतलब इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि उनके उनके हॉर्सेस में जो नाल होती है नीचे वो लगाई जाए. तो यहाँ पर हम गेट भी बोल सकते हैं, हैव भी बोल सकते हैं. दे आर वेटिंग टू हैव देयर हॉर्सेस शॉर्ट, ये सेंटेंस सही है. इफ़ यू शू अ हॉर्स यू नेल अ हॉर्स शू, मतलब उसमें नाल लगाना. तो ये सेंटेंस आपके सही हैं. ही शेड हिज इमेज एज अ पुशी बॉस, मतलब उसने अपनी पुशी बॉस की जो इमेज थी उससे छुटकारा पा लिया. शेड योर क्लोथ्स, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ को हटाना या उतारना, उसके लिए हम शेड का यूज़ करते हैं. आई हैव लैंड हिम सम मनी, ये गलत क्यों है सेंटेंस, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो होती है लैंड की वो लैंड होती है, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है और ये सेंटेंस आपका सही है. चलिए आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस. प्रेजेंट टेंस यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं. प्रेजेंट टेंस को हम शुरू करते हैं इस तरह के एक्शंस को बताने के लिए जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं. ही इज़ टेकिंग ए वॉक एवरी मॉर्निंग, गलत क्यों है. गलत इसलिए है क्योंकि ये काम जो वॉक करने का काम है ये डेली होता है, ये एक रूटीन वर्क है. तो इसलिए रूटीन वर्क जो होगा उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिखाएंगे. तो ये सेंटेंस सही है, ऊपर वाला सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि रूटीन सेंटेंस को कंटिन्यूस टेंस में दिखाया गया है, इसलिए ये गलत है. यूनिवर्सल ट्रुथ, ये आपको पता होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ को हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं. टू एंड टू आर मेकिंग फोर, ये गलत है. टू एंड टू मेक्स फोर इसलिए गलत है क्योंकि इसमें एस लगा दिया है, क्योंकि दो चीज़ें जब एंड से जुड़ती हैं तो वो प्लूरल वर्ब होती है, तो इसलिए मेक्स नहीं होगा, मेक होगा. दो और दो चार होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. दो और दो चार इंडिया में भी होते हैं, दो और दो चार अमेरिका में भी होते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसलिए इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे. एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इस तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं. हेयर कम्स द बस, और वो देखिए बस आ रही है. हालांकि ये कंटिन्यूस टेंस होता है लेकिन इसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में. काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है. और कुछ और रूल्स देखते हैं. प्लान्ड एंड अरेंज्ड एक्शन जो होते हैं, जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उनको हम सिंपल टेंस में या फ्यूचर सिंपल टेंस में हम बोल सकते हैं. जैसे ये सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पर.
द इंडियन टीम गोज टू द कैरिबियन आइलैंड नेक्स्ट वीक. ये प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं, अरेंज्ड एक्टिविटी हैं, ठीक है. तो इनको हम इस तरह से बोलेंगे, बोल सकते हैं, और ये सेंटेंस सही है. इसमें गोज भी हम लगा सकते हैं, सही है, और विल गो भी लगा सकते हैं, ये भी सही है. वी शैल गो वेन द चाइल्ड विल कम. देखिए, ये दो फ्यूचर एक्शन जब होते हैं तो इसमें जो एक्शन पहले होता है उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखते हैं, ठीक है. इसको आप हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये. वी शैल गो वेन द चाइल्ड कम्स बैक होम. ये नीचे वाला सेंटेंस सही है, ऊपर वाला सेंटेंस गलत है. इसमें इसमें वैन के स्थान पर हम कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, इफ़ लगा सकते हैं, वैन लगा सकते हैं, टिल लगा सकते हैं, अनटिल लगा सकते हैं, ये सारे वर्ड लगा सकते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को आप बार बार पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है. तो ये सारे रूल हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई एक्शन अभी हो रहा है या टेम्परेरीली हो रहा है. जैसे इट इज़ रेनिंग हैवीली टुडे, ये सेंटेंस सही है. इट रेन्स हैवीली इन इक्वेटोरियल रीजन एंड हिली एरियाज. ये सेंटेंस इसलिए सही है क्योंकि ऐसा हमेशा होता है. इक्वेटोरियल रीजन जो हैं और हिली एरिया जो हैं वहाँ पर हमेशा तेज बारिश होती है, ठीक है. अब इसी सेंटेंस को आप यदि कंटिन्यूस में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब है कि ऐसा अभी हो रहा है, हमेशा नहीं होता बल्कि अभी हो रहा है. इसलिए ये नीचे वाला जो सेंटेंस है ये गलत है. यहाँ पर देखिए, आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट का मतलब है कि मैं अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और आई वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट का मतलब है कि वो आपका प्रोफेशन है, उसको आप हमेशा करते हैं. तो इन दोनों में आप अंतर समझिए, ये ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. इमीडिएट फ्यूचर को दिखाने के लिए हम कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं. इमीडिएट फ्यूचर, जो आज, जो कल होने वाला है, जैसे ही इज़ गोइंग टू द सिटी टुमारो, तो ये सेंटेंस सही है. और डिस्टेंट फ्यूचर को आप सिंपल टेंस से दिखा सकते हैं, जैसे ही गोज़ टू द सिटी नेक्स्ट वीक, ये दूर का फ्यूचर है, नेक्स्ट वीक की हम बात कर रहे हैं, और ऊपर वाले सेंटेंस में हम टुमारो की बात कर रहे हैं. तो इमीडिएट फ्यूचर को आप कंटिन्यूस से दिखा सकते हैं, और डिस्टेंट फ्यूचर को आप कंटिन्यूस से नहीं दिखा सकते. उसको दिखाने के लिए आपको सिंपल टेंस का प्रयोग करना होगा. ऑब्स्टिनेट जो हैबिट्स होती हैं, जैसे कोई बच्चा है जो किसी भी काम को हमेशा करता रहता है, मना करने के बावजूद भी उस काम को करता रहता है, तो इस तरह के जो ऑब्स्टिनेट हैबिट्स होती हैं, जो जिद्दी आदतें होती हैं, उनको दिखाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं. इट इज़ नो यूज़ स्कोल्डिंग हिम, ही इज़ ऑलवेज डूइंग व्हाट इज़ फॉरबिडन. उसको डांटने का कोई मतलब नहीं है, वह हमेशा वही काम करता है जिस काम के लिए उसको रोका जाता है. तो नीचे वाला सेंटेंस गलत है. और एक ये रूल है, इसमें ये सारी वर्ब दी हुई है, इन वर्ब को हम नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करते, इनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं. फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि ये ऐसी वर्ब हैं जो हमेशा होती हैं. जैसे यदि मैं बोलूँ हेट, मैं किसी से हेट करता हूँ तो हेट करता हूँ, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर से हेट नहीं करता, क्योंकि ये एक परसेप्शन है, ये एक फीलिंग है, ठीक है. मैं किसी चीज़ को प्रेफर करता हूँ तो हमेशा करता हूँ, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे नहीं करता. या मैं किसी चीज़ को ओन करता हूँ या बिलोंग करता हूँ मैं किसी चीज़ से, तो हमेशा करता हूँ. तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है. तो इन वर्ब को आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज़ करेंगे, कभी भी कंटिन्यूस टेंस में इनको यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिए. द एलिगेशन अपीयर्स टू बी ट्रू, ऐसा लगता है कि एलिगेशन जो है वो सही है. तो appear को हमने लगने के सेंस में, फील करने के सेंस में यूज़ किया है, ये सही है. और ये वाला जो सेंटेंस है, द एलिगेशन इज appearing टू बी ट्रू, ये गलत है. लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में हमने appearing में भी ing form लगाया है और वो सही हो गया है. वो सही इसलिए है क्योंकि appear का यहाँ पर मतलब फील होना या लगना नहीं है, बल्कि स्टेज पर आना है. ही इज़ appearing ऑन द स्टेज, मतलब ही इज़ कमिंग ऑन द स्टेज. तो यहाँ पर इस सेंस में appear को प्रयोग करना सही है, ये सेंटेंस सही है, इसको आप ध्यान से पढ़िए. और आई एम प्रेफरिंग टी टू कॉफ़ी, मैं आई एम प्रेफरिंग टी, मतलब मैं चाय को कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद करता हूँ, और ऐसा हमेशा होता है, ठीक है. ये मेरी आदत है, ये मेरा रूटीन है, तो इसलिए इसको मैं प्रेफर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा. आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी मैं बोलूँगा, प्रेफरिंग वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा. तो काफ़ी अच्छे ये कॉन्सेप्ट्स हैं. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, ये करेक्ट है. आई एम हेटिंग हर,
व्हेन शी सेज शी डजेंट लव मी। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है और नीचे वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि हेट की आप बात कर रहे हैं, परसेप्शन की, फीलिंग की या थिंकिंग की आप बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। आई हेट हर व्हेन शी सेज शी डजेंट लव मी। तो इस तरह से इनको आपको करना है। तो ये था आपका टेंस एंड वर्ब फॉर्म का पार्ट टू। कैसा लगा आपको, आप मुझे ज़रूर बताइएगा इन नंबर्स पर, और मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है यहाँ पर, अपना फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है फेसबुक पर, इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर भी मैं नोटिफिकेशंस देता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।